हेलो व्यूअर्स, आज हम मान CLA-300 की एडब्लू डोजिंग टेस्ट करेंगे विथ जेलटिस V9। ये हमारे पास एक मान की गाड़ी आई है जिसमें लो यूरिया कंजम्पशन की इशू थी, तो आज हम इसको रिजॉल्व करेंगे जेलटिस के V9 किट से। लेकिन उससे पहले आप हमारे एम्प्रो इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का आपको अपडेट मिलते रहे। तो सबसे पहले हम अपने स्कैनर को व्हीकल से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कोई कोड वगैरह एक्टिव है कि नहीं। तो हम अंदर चलते हैं मान वाले ऑप्शन में और एंटी पॉल्यूशन सिस्टम को क्लिक करके कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमें ये देखना है कि डायग्नोसिस में कोई कोड है कि नहीं। तो डायग्नोसिस में जब हमने देखा कि कोई कोड नहीं है, तो अब हम डोजिंग करके इसको वेरीफाई करेंगे कि सच्ची में लो यूरिया कंजप्शन है कि नहीं। तो डोजिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो एडब्लू की डोजिंग नोजल है उसको आपको रिमूव करना है, जैसे आपको इस वीडियो में दिख रहा है। उसके बाद आपको व्हीकल को स्टार्ट करनी है ताकि जो एयर प्रेशर वगैरह है वो अच्छी तरीके से बिल्ट हो जाए और जो एडब्लू प्रेशर है वो भी बिल्ट हो जाए। यहाँ आपको मान गाड़ी की डोजिंग यूनिट दिख रहा है, ये आपकी डोजिंग यूनिट है और धीरे धीरे प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है जब हमने व्हीकल स्टार्ट की है। तो सबसे पहले हम एक्चुअल कंपोनेंट में चलेंगे और चेक करेंगे जो इसके कंपोनेंट्स है, जैसे एडब्लू पंप और एयर प्रेशर रेगुलेशन वाल्व, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो पहले एडब्लू पंप पे क्लिक करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं, एक्चुएट करते हैं कि वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। हमेशा एक्चुएट करने से पहले आपको इनिशियल कंडीशंस देखना होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे कि प्रेशर वेरी हो रहा है और इसका मतलब कि आपका जो पंप है वो सही से वर्क कर रहा है। अब हम नेक्स्ट जो ऑप्शन है, जैसे जो एयर प्रेशर रेगुलेशन वाल्व है, उसको टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि वो भी सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ आप देख पा रहे कि जो इनिशियल कंडीशन है वो चेक कर रहे हैं। और यहाँ भी आप जब हम प्रोसेस करते हैं तो हमें जो प्रेशर है एडब्लू वाला वो देखना है। तो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है हम चलेंगे सिस्टम चेक्स में। तो सिस्टम चेक्स में सबसे पहला प्रोसेस है आपको चेक करना होता है जो इसका एयर सर्किट है। तो एयर सर्किट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले जो नोजल है उसको डिस्कनेक्ट करना है गाड़ी से और प्रोसीड करना है। हमेशा इनिशियल कंडीशंस आप देख लीजिए जब भी आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म करते हो। उसके बाद आप नीचे आपको दिख रहा है, जैसे मैं ऑन पे क्लिक करूँगा जो इसका एयर सर्किट कंप्लीट एयर सर्किट है वो टेस्ट होगा। तो जैसे प्रोसेस स्टार्ट हो गया आपको दिख रहा है नोजल से किस तरीके से एयर स्प्रे हो रहा है और जो एडब्लू प्रेशर है वो भी आपको दिख रहा है हल्का सा वेरी हो रहा है। तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे सिस्टम फिलिंग एंड पर्ज। ये जो प्रोसेस है यहाँ पे अगर आपके एडब्लू के पाइप्स और लाइन में कोई भी डर्ट या जर्म्स या कचरा फंसा हुआ है वो इस टेस्ट के द्वारा आपका क्लियर होता है। और इसमें क्या है, जो आपके एडब्लू सिस्टम का प्रेशर है, जैसे एडब्लू प्रेशर और एयर प्रेशर, वो भी अप टू द मार्क सही से जनरेट होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है आपका धीरे धीरे जो प्रेशर है एडब्लू प्रेशर है वो भी वेरी कर रहा है। और जो आपके लाइंस में अगर कोई क्लॉग्ड है लाइंस या फिर कोई डर्ट या कचरा वगैरह है वो भी इस प्रोसेस के द्वारा क्लियर हो जाता है। जैसे ही ये सिस्टम फिलिंग और पर्ज खत्म होता है तो यहाँ पे बता रहे कि एडब्लू मीटरिंग करना है आपको थर्ड स्टेप। एडब्लू मीटरिंग मतलब आपको डोजिंग करना है। अब डोजिंग के तीन ऑप्शन हैं, आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम स्मॉल डोजिंग सिलेक्ट करते हैं और प्रोसीड करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमेशा ये चेक कर लीजिए कि कितना सेकेंड्स का ये टेस्ट है और कितना ml आपकी बाहर आनी चाहिए। एयर प्रेशर का आपको जो एयर प्रेशर है वो देखना है कि कितना है मिनिमम एयर प्रेशर और इनिशियल कंडीशन सारे चेक करने हैं। तो अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और नीचे जो डोजिंग टोटल टाइम है जब आपका जो एडब्लू प्रेशर है ऑलमोस्ट 4 to 4.5 बार रीच होगा तब नीचे इसका डोजिंग स्टार्ट हो जाएगा या फिर डोजिंग जो टोटल टाइम आपको दिख रहा है वो स्टार्ट हो जाएगा।
तो यहाँ आप देख पा रहे हैं प्रेशर 4 bar तक चला गया और नीचे डोजिंग टोटल टाइम स्टार्ट हो गया, और वीडियो में भी आपको दिख रहा है कि डोजिंग जो है वो स्टार्ट हो गया गाड़ी में। हमेशा जब भी आप डोजिंग करते हो ये नोजल जो है आप बीकर में रखना है आपको, ताकि जो अमाउंट ऑफ एडब्लू निकले तो वो आप देख पाए कि कितना अमाउंट ऑफ एडब्लू निकला। जैसे आपने ये टेस्ट स्टार्ट किया था पहले, आपको दिखा कि वहाँ पे डिस्प्ले किया गया था कि 100 ml तक बाहर आना चाहिए, तो बीकर में जब आप रखोगे तो वो जो एडब्लू अमाउंट जो निकलेगा वो आप चेक कर सकते हो कि आपका डोजर सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। ऑलमोस्ट 330 seconds का ये टेस्ट है और यहाँ पे टेस्ट कंप्लीट हो गया। जब हमने ये चेक किया जो बीकर में हमने कलेक्ट किया, तो जो एडब्लू है 95 to 101 ml के अराउंड आया। इसका मतलब आपका जो डोजर है वो सही से फंक्शन कर रहा है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि डायग्नोस में कोई कोड एक्टिव है कि नहीं, तो यहाँ आप देख पा रहे कोई कोड नहीं है। तो जब हमने इस गाड़ी की ट्रायल ली और हमने ये देखा कि जो इसकी लो यूरिया कंजप्शन की इशू थी वो ठीक हो गई थी, क्योंकि जो कुछ लाइन क्लॉक थे आपकी इसकी गाड़ी में, जब आपने सिस्टम फिलिंग और पर्च किया वो क्लॉक लाइन क्लियर हो गया, और गाड़ी ने जब लंबी ट्रायल लिया तो उसमें जो एडब्लू की लो कंजप्शन इश्यू थी वो सॉल्व हो गई।